स्थिर कोटि ब्रह्मांड नये कर्तुम अकर्तुम समस्त सामर्थ्य वाला परत ब्रह्म परमात्मा के पावन चरण कमलों में अनुराग रखने वाले संत चरणारविंद विप्र चरणारविंद समागत समस्त भागवत रस रसिकों एवं श्रद्धा स्वरूपा देवी प्यारे आज बांके बिहारी लाल जी के चरणों में तृतीय पुष्प अर्पित करते हुए बड़ा ही आनंद आ रहा है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। प्यारे आए जब कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तो भागवत जी की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। बड़े खुशी की बात यह है, बड़ी खुशी की बात क्या कहते समय कितनी प्रसन्नता हो रही है। ये भागवत जी की कथा कहीं अन्यत्र चल रही होती तो इतना विशाल भीड़ नहीं होता, मौसम कितना खराब है। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि हमारे सुजानगंज क्षेत्र में जो यहाँ ग्राम सभा है ये साक्षात वृंदावन ही है। अपने लिए ताली तो बजा लो भैया, कितने खुशी की बात है। देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और दूसरी बात बताऊं, जब द्वापर और त्रेता युग में यज्ञ में देवता जन जब बहुत खुश होते थे तो पुष्प वृष्टि होता था। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था या प्रभु का कोई अवतार होता था तो पुष्प वृष्टि हुआ करता था द्वापर और त्रेता में। और कलयुग में जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तो यज्ञ में जल वृष्टि करते हैं। क्या रे, यूं समझ लीजिए कि ये जो यज्ञ हो रहा है द्वापर त्रेता में जो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता था वो कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण को ही अश्वमेध यज्ञ बताया गया है। और सच में ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रभु भी खुश हैं और आप लोगों के अंदर भी भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। प्यारी इस दुनिया में जितनी भी सामग्री है भौतिकता की एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र एक मिनट का सत्संग रख दीजिए तो प्यारे सत्संग का पलड़ा भारी पड़ जाएगा। लव एक मिनट का भी दसवां भाग यदि आप सत्संग में गुजार दिए तो प्यारे इस दुनिया में भौतिकता के जितनी भी सामग्रियां हैं उसकी तुलना में एक मिनट का सत्संग ही भारी पड़ जाता है। भक्तमाल में कथा आती है, एक चोर चोरी करके कहीं से भागता हुआ चला रहा था और उसके पीछे बहुत सारे घोर पड़े हुए थे। वो चोर सोचने लगा कि मैं कहां सुरक्षित हूं। सो एक जगह भागवत जी की कथा चल रही थी और वो चोर भागवत जी की कथा में गया और बीच में बैठ गया। वो सोचने लगा कि सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान यही है और व्यास पीठ से व्यास जी कथा सुना रहे थे। बोले घुघराला साबा सांवली सी सूरत और गले में सुंदर हीरे जवाहरात के माला पैजनिया करधनिया वो बांके बिहारी लाल जी
छम 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 करते हुए वृंदावन में गैया चराते हैं। सोई चोर के मन में बात आई, अगर ये कन्हैया मिल जाता तो इतनी कीमती आभूषण को पहनता है और मैं चोरी कर लेता, मेरा काम बन जाता, फिर दुनिया में किसी के यहाँ चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो चोर गया ब्याजी के पास, कहने लगा एक बात बताओ। वो चोर था, वो दंड व्यक्ति कभी प्यार से भी बोले तो ऐसे लगता है जैसे खाने दौड़ रहा हूं। ब्याज जी उसको देख के डर गए, बोले आरती में जो पैसा है लेके जाओ भैया, हाथ जोड़ रहा हूं। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए महाराज, एक बात बताइए, वो जो टेढ़ी टांग वाले की आपने चर्चा किया, चमचम करते हुए जो गोपाल जी चलते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? ब्याज जी ने कहा भैया वो वृंदावन में मिलेंगे। बोले सच सच बताइएगा? बोले सच में मिल जाएंगे वृंदावन में। वो चोर दौड़ते हुए वृंदावन पहुंच गया और प्यारे वृंदावन में किसी से पूछा कि क्या यहाँ कृष्ण कन्हैया गैया चराते हैं? सबने कहा हाँ, ये मधुबन है, ये वृंदावन है, ये गिरिराज है, यहाँ वो बांके बिहारी लाल जी आज भी रास रचाते हैं, गैया चराते हैं। बोले अच्छा, वो चोर प्रभु का इंतजार करने लगा, कृष्ण कन्हैया का। और प्यारे इंतजार करते करते बहुत समय बीत गए, कन्हैया आए नहीं। उस चोर को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा मैं ब्यास जी को छोड़ने वाला नहीं हूं, झूठी झूठी बात ब्यास पीठ पर बैठ करके बता के चले जाते हैं। मेरे गोविंद सोचने लगे कि अहम भक्त पराधीन, भगत के बस में है भगवान। मेरे गोपाल जी सोचने लगे यदि मैं इस चोर के पास नहीं गया तो ब्यास जी को बड़ा दुख देगा ये चोर। इतने में कृष्ण कन्हैया छम छम करते हुए आ गए चोर के पास। बोले ओ भैया, अरे मैं ही हूँ कृष्ण कन्हैया। वो चोर दौड़ता हुआ गया और गोविंद जी को कृष्ण कन्हैया को अपने बाहों में ले लिया, गोद में लेकर के गाल पे थपकी मारने लगा। चोर कहने लगा हे प्रभु, हे गोविंद, हे कन्हैया, मैं आपको लूटने आया था लेकिन मैं आपके सामने खुद ही लूट गया। प्यारे चोर कथा पंडाल में एक मिनट के लिए सत्संग किया था, बांके बिहारी लाल जी का उसको दर्शन मिला। और जो व्यक्ति सात सात दिन भागवत जी की कथा में बैठ करके कथा श्रवण कर ले उसका क्या होगा? लेकिन अब तो लोग कथा भी सुनने के गजब तरीके हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चर्चा करता है, भाई कार्ड आया है कथा का तो जाना पड़ेगा। और वो जब कथा पंडाल में आता भी है तो दो चार मिनट बैठेगा और भागेगा। क्या यजमान का कथा कराने वाले थे, मुझे उन्होंने देख लिया, मैं आ गया, हर मिनट ही हो गया। लेकिन सच्चाई की बात क्या है, जो भाव से भागवत जी की कथा को सात दिनों में श्रवण कर लेता है, गोविंद के चरणों में उसकी रति हो जाती है। प्यारे कल आप सब दर्शन किए कि दुर्योधन को बांके बिहारी लाल जी समझाए लेकिन दुर्योधन के समझ में नहीं आया। क्यों? कि दुर्योधन सत्संग नहीं किया था। और जो सत्संग नहीं किया होता है ना, उसको भगवान भी समझाते हैं तो उसके समझ में नहीं आया। साक्षात बांके बिहारी लाल जी समझाए, कहां समझ में आया? इसलिए जीवन में सत्संग करना प्यारे अति आवश्यक होता है। और आज होता क्या है, अश्वत्थामा पांडव पुत्रों की हत्या कर देता है। कृष्ण कन्हैया अर्जुन जाते हैं,
और अश्वत्थामा का केस पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के आते हैं। द्रौपदी से कहते हैं कि देवी बताओ ये पुत्रों का हत्यारा है, इसको मार दो कि छोड़ दो। द्रौपदी जी ने कहा मुंचता मुंचता मेसा ब्राह्मणं नितरां कुरु, ये ब्राह्मण पुत्र हैं, इन्हें मारना नहीं चाहिए। कन्हैया से पूछे, प्रभु ने कहा ब्रह्म बंधुर्नहन्तव्य आततायु बलवान्। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए लेकिन आततायी को छोड़ना भी नहीं चाहिए, इसे मारो भी छोड़ दो। अर्जुन अश्वत्थामा का आधा केस मोड़ लेते हैं, आधी दाढ़ी मोड़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन उसके समझ में क्या आया कि पांडव परिवार में एक वंश पल रहा है जो उत्तरा की गोद में है, जो उत्तरा के उदर में है। अश्वत्थामा ऐसा अस्त्र चलाया कि जो उत्तरा के उदर में जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी। इतने में उत्तरा कृष्ण कन्हैया के पास आ गई, कहने लगी पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यं पद भयं पश्ये यत्र मृत्युर् परस्परम्। पाहिनाथ पाहिनाथ हे कृष्ण कन्हैया, मेरे उदर में जो जीव पल रहा है उसको बचा लीजिए, मेरी मृत्यु हो जाए चलेगा लेकिन मेरे उदर में जो जीव पल रहा है उसको प्रभु बचा लीजिए। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युर् परस्परम्। मैं मर जाऊं चलेगा लेकिन मेरे बालक को बचा लीजिए। भागवत जी के माध्यम से ये सीख मिलता है कि प्यारे उत्तरा कहती है कि मेरा प्राण निकल जाए चलेगा, मैं मर जाऊं चलेगा लेकिन मेरे बालक को बचा लीजिए। माँ का ये वात्सल्य भाव है। दूसरी सूचना क्या है कि प्यारे पहले के जमाने में जब कोई बगीचा लगाता था तो प्रथम बार जब कोई फल आता था तो हम लोग गंगा स्नान करने जाते थे, सत्यनारायण व्रत की कथा सुनते थे, पहला फल जब आता था। लेकिन अब देवियों के जीवन में जब पहला फल आता है तो उसको नष्ट कर देते हैं। ये सारा ही काफी है। शास्त्र में बताया गया कि पाप पातक उपपातक महापातक अग सबसे बड़ा पाप अग होता है, और अग होता किससे है, जो अग किए बालक बध कीना। मानस में बताया गया अग पाप उसे बताया गया है जो भ्रूण हत्या करता है, उस पाप को अग बताया गया है। इसलिए जीवन में कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु मेरे उदर में जो जीव पल रहा है उसे आप बचा लीजिए। कन्हैया बोले चिंता ना करो ये देवी, मेरी शरणागति में जो जीव आता है उसकी रक्षा तो मुझे करनी ही पड़ती है। मेरे बांके बिहारी लाल जी कहने लगे उतरा चिंता ना करो, दिव्य सुंदर भाव बनाओ। मेरे बांके बिहारी लाल जी सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किए और जो जीव पल रहा था कौन था, राजा परीक्षित जी। राजा परीक्षित की रक्षा करें
मेरे प्रभु का ऐसा वात्सल्य भाव है कि जिस गर्भ की लोग निंदा करते हैं उस गर्भ में भी भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद को वहां भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु सूत्र अवतार सुवर भी बन जाते हैं। को हम दयालु शरणम व्रजेम, मेरे प्रभु जैसा दयालु कौन हो सकता है क्या? मेरे बांके बिहारी लाल जी परीक्षित जी की रक्षा किए गर्भ में जाकर के, और आज बुआ कुंती से कृष्ण कन्हैया कहने लगते हैं, बुआ एक बात बताओ, आपको राज्य भी मैंने दिला दिया और परीक्षित की भी रक्षा कर दिया, अब एक बात बताओ, मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। कुंती जी कहने लगी, ए कृष्ण कन्हैया, ए लाला, तू भैया सुन ले, तू कोई लाला नहीं है, तू मेरा कोई भतीजा नहीं है, मैं तुम्हारी कोई बुआ नहीं हूँ, ये तो तेरे नाते अनेक अनेक होते हैं, लेकिन सुन ले भैया, श्री कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगतपते, श्री कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगतपते। हे कृष्ण कन्हैया, तुम मेरे भतीजे नहीं हो। कन्हैया बोले, क्या हो गया मुझसे ऐसी गलती? कुंती बुआ कहने लगी, श्री कृष्ण द्वारिका वासी देव देव जगतपते, आप जगतपति हो, आप प्रभु हो, आप देवता हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रभु कहने लगे, सुनो हे बुआ, मैं भगवान नहीं हूं। सोचिए कि साक्षात बांके बिहारी लाल जी प्रभु को बुआ जी ने कहा आप भगवान हो, कहते मैं भगवान नहीं हूं। और जब कोई व्यक्ति जरा सा बोलना सीख लिया, जरा सा उसको बोलना आ गया, दो चार श्लोक आ गया, थोड़ा सा ज्ञान हो गया, वो कहता है भगवान की प्रतिमा हटाओ, मेरी पूजा करो, सबसे बड़ा भगवान मैं ही हूं। कितनी कितनी संस्थाएं चल रही हैं, क्रिश्चियन लोग अलग चला लिए, एक शिव शंकर का अलग चल गया, उसमें तो नाम शिव शंकर का है, फोटो किसी और का लगा हुआ, उसमें कहते हैं इसमें रामायण भागवत की चर्चा नहीं होती, सिर्फ गुरु जी की ही होती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरु ब्रह्मा से मिला सकते हैं, गुरु विष्णु से मिला सकते हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा विष्णु बन गए ये तो बुराई है। प्रभु कह रहे हैं, सुनो मैं प्रभु नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, ए बुआ मैं आपका भतीजा हूं, और सुन लो ए बुआ, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यदि मिलता है तो भगवान को मिलता है। बोले कैसे? बोले घर में व्यक्ति रहता है, एयर कंडीशन एसी लगा लेता है, गर्मी में कूलर लगा लेता है, पंखा लगा लेता है, और भगवान जी को क्या करता है? जहां नीम और पीपल का वृक्ष होगा वहां ले जाकर के दो चार ईटा रखेगा, भोले बाबा जी को रख देगा, हर हर बम 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 बम, इधर जल चढ़ा के गए कि उधर कुत्ता भी चलता हुआ आया, चाटने भी लगा, और जो नहीं करना चाहिए वो भी करके चला जाता है। बोले दुनिया में सबसे बड़ा दुख यदि है तो परमात्मा को है। ये नहीं लगता कि इनको भी सर्दी लग रही होगी, इनको भी गर्मी लग रही होगी, और तो और क्या बताऊं, परमात्मा को इतना दुख सहना पड़ता है, एक अगरबत्ती का पूरा 10-15 लगाएंगे
और नाक के सामने लगा करके अब बोलेंगे सुख संपत्ति घर आ गए, अब सब कुछ लाइए। ये नहीं सोचते ये परमात्मा भी है तो बेचारे सांस कैसे लेते होंगे। और इतना ही नहीं, क्या बताऊं, ए बुआ भगवान की मूर्ति पर थोड़ा सा मिष्ठान ऐसे मुख में फोटो पर चिपका देते हैं, जब छोटी बड़ी चींटियां आकर के काट काट करके खाने लगती हैं, तो घर में रहने वाला व्यक्ति पूछता है अपनी दादी माँ से कि अम्मा कि भगवान जी के ओठों को देखो चींटी काट रहे हैं। बूढ़ी माता जी बोली हट पागल, ये चींटी नहीं है, ये भगवान चींटी का रूप बना करके आए हैं, प्रसाद पा रहे हैं। बोले इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख यदि है तो परमात्मा को है, भगवान को है। एक मारवाड़ी आया, बोला महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा कुछ पूजा उजा करते हो? बोले महाराज पूजा क्या, सुबह शाम भगवान को बत्ती देते हैं। जब मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ तो मेरी पत्नी बत्ती दे देती है, भगवान बेचारे बत्ती। और हम घर में खूब भोजन बनाते हैं, चकाचक पाते हैं, भगवान को क्या करेंगे। एक डिब्बे में रामदाना भरा पड़ा है, या तो गुड़ पड़ा है, शक्कर पड़ा है, खुद तो चकाचक भोजन करेंगे। थोड़ी सी चटनी लाओ, अचार लाओ, देसी घी लाओ, और भगवान को बेचारे को सिर्फ गुड़ और शक्कर दे करके तुलियम मस्त गोविंदन तो भेमेव सुना करेगा। बोले इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसको है, भगवान को है। ए बुआ मुझे भगवान ना कहो, जाने दो मैं आपका भतीजा हूँ। बुआ जी कहने लगी सुनो कन्हैया, सच में तुम मेरे भगवान हो, मान जाओ मेरी बात। प्रभु ठहाका मार करके हंसे, बोले बुआ जी यदि आपने मुझे भगवान कहा है तो सुन लो। युधिष्ठिर को बुलाते हैं, कहते हैं कि बुआ ने मुझे भगवान कहा है तो आज मुझसे जो कुछ मांगना चाहो मांग लो, क्योंकि भगवान के सामने जाकर के सब कोई मांगते हैं, आप भी मांग लो। युधिष्ठिर जी ने कहा देना चाहते हो तो एक ही वर दे दो कि जीवन में कभी भी सत्यता का परित्याग ना करो। प्रभु बोले तथास्तु। इतने में कन्हैया कहने लगे सुनो भीमसेन, तुम भी कुछ मांगना चाहते हो। भीम जी कहने लगे हे कृष्ण कन्हैया क्या बताऊं, मेरा नाम बड़ा बदनाम है, लोग कहते हैं जितने में समस्त पांडव भोजन ग्रहण करते हैं उतने में अकेला भीम खाता है। हे प्रभु खाते पीते आपके प्रति मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। प्रभु ने कहा था तथास्तु। आज कन्हैया कहते हैं अर्जुन तुम भी कुछ मांगना चाहते हो। अर्जुन कहने लगे हे प्रभु आपके प्रति सदैव गुरुत्व का भाव बना रहे। और कन्हैया आज सुभद्रा को बुलाते हैं, सुभद्रा जी से कहते हैं हे बहन बुआ जी ने मुझे भगवान कहा है, आप भी कुछ मांग लो मेरी बहन हो। सुभद्रा जी ने कहा भैया एक कृष्ण कन्हैया मैं जो मांगूंगी आप दे दोगे। कन्हैया बोले मेरी प्रिय बहन हो तुम, जो मांगो सो मैं देने को तैयार हूं, बहन मांग के तो देखो। सुभद्रा जी ने कहा मुझे विश्वास नहीं होता। कन्हैया बोले मांग के तो देखो बहन, भाई बहन जैसा प्यारा रिश्ता कौन हो सकता है। सुभद्रा जी कहने लगी कि तीन बार वाचा भरना पड़ेगा। कन्हैया बोले क्या चिंता करती हो बहन, ब्रह्मा का पद चाहिए तो बोलो दे दूं, विष्णु का पद चाहिए तो बोलो दे दूं, इंद्र का पद चाहिए तो बोलो दे दूं।
इतनी बात को सुनकर के ब्रह्मा जी सोचने लगे, यदि मेरा पोस्ट मांग ली सुभद्रा तो मेरा क्या होगा। इंद्र भी घबराने लगा। आज सुभद्रा कहती हैं, तीन बार वाचा भरो, ये भैया कृष्ण कन्हैया। कन्हैया बोले, सुनो ये बहन, दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो तो सही। सुभद्रा अपने आंचल को ऐसे पसारती है, आंचल को पसार करके कहती है कि हे भैया कृष्ण कन्हैया, मुझे एक ही वर दे दो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजुरांते, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजुरांते, हे कृष्ण कन्हैया, आपका जो चरण है ये पिजड़ा बन जाए पंजुरांते। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजुरांते, अद्यैव मे विशद मानस राजहंस। सुभद्रा जी कहने लगी, हे कृष्ण कन्हैया, आपका चरण पिजड़ा बन जाए और मेरा मन रूपी राजहंस वो पक्षी हंस बन जाए, और आपके चरण रूपी पिजड़े में मेरा मन रूपी राजहंस जा करके ऐसे कैद हो जाए कि जीवन में कभी ना निकले। क्यों कि प्राण प्रयाण समय कफ बात पितई। बोले जब प्राण निकलने लगता है कफ बात पित्त से गला अवरुद्ध हो जाता है, हे कृष्ण कन्हैया, हे गोविंद, ओ भैया, तब आपका भजन नहीं मुख से निकलता है। इसलिए मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिजड़े में जाकर के कैद हो जाए जो जीवन में कभी ना निकले। कन्हैया बोले, तथास्तु बहन, ऐसा ही होगा। और आज कृष्ण कन्हैया द्रौपदी को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप भी जो कुछ मांगना चाहती होगी। द्रौपदी जी कहने लगी, कृष्ण कन्हैया, सक्रम आत्मनिवेदनम, आपके प्रति मेरा सदैव सत्य भाव बना रहे। इस प्रसंग से ये मिलता है कि जीवन में परमात्मा को सदैव भगवान मान करके ही पूजा नहीं करनी चाहिए। नवधा भक्ति में बताया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सक्षम आत्मनिवेदनम। प्रभु से कोई रिश्ता बना लो, भगवान गोपाल जी को या तो भाई बना लो, या तो बेटा बना लो, या तो पति बना लो, कोई भी रिश्ता बना लो, ना कुछ बना पाओ तो सक्षम आत्मनिवेदनम सखा ही बना लो। लेकिन जब तक हम कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे प्रभु से, तब तक तो प्यारा संबंध निभ नहीं पाता। बोले सुनो, सक्षम आत्मनिवेदनम, हे कन्हैया, आपके प्रति मेरा सत्य भाव सदैव बना रहे। कुंती बुआ से कहते हैं, कृष्ण कन्हैया, श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगत पते। हे बुआ जी, आपने मुझे भगवान कहा है तो आप भी कुछ मांग लीजिए ना। बुआ जी कहने लगी, मैं जो मांगूंगी कृष्ण कन्हैया दे दोगे। कन्हैया बोले, बिल्कुल मांग लो। आज बुआ जी क्या मांगती है, कहती है, सुनो, एक कृष्ण कन्हैया देना चाहते हो तो एक ही बर दे दो, मुझे दुख दे दो।
कन्हैया के आंखों में आंसू आ गया। प्रभु कहने लगे, क्या बताऊं ए बुआ, मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन दुख नहीं है। आज आपने वो वस्तु मांग लिया जो मेरे पास नहीं है। तो बुआ जी कहने लगी, एक बात बताओ कन्हैया, यदि तुम्हारे पास दुख नहीं है तो लोग दुखी क्यों हैं? इसका कारण बताइए। इस प्रसंग का उत्तर रामचरित मानस में बड़ा सुंदर मिलता है। राजा दशरथ के चार पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पुरुषोत्तम राम कहा गया है। लेकिन आज के जमाने में भी सोच लीजिए कि ऐसे भी पुत्र हैं जो पिता की तबीयत खराब हो तो पुत्र संपत्ति को बेच करके एडमिट कराता है, दवा कराता है। लेकिन मेरे राम जी कैसे? राजा दशरथ जी का प्राण निकलने वाला है। किसके लिए? पुत्र के लिए। लेकिन मेरे राम जी यदि चाहते हैं आ जाते हैं, पिता का प्राण बच जाता। अरे कोई जरूरी था बन में जाना? और दूसरी बात ये है कि जब पिताजी ही नहीं रहे तो पिताजी के वचन से क्या मतलब? हमको तो कभी कभी लगता है ऐसे प्रभु राम जी की तो पूजा ही नहीं करनी चाहिए। बताइए, साक्षात पुरुषोत्तम राम जी, पिताजी का प्राण निकल रहा है किस बात को लेकर के? पुत्र की वियोग में। राम जी को आ जाना चाहिए था। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आ जाना चाहिए, पिताजी को बचा लेना चाहिए। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, प्रभु आ जाते पिताजी बच जाते। प्रभु नहीं आए और दशरथ जी का प्राण निकल गया। लेकिन मेरे प्रभु राम जी ने ऐसा किया क्यों? इसलिए कि दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं मेरे प्रभु राम जी कि कर्म का फल देने में मैं यहां अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ा। कर्म का फल देने में मेरे प्रभु अपने बाप को नहीं छोड़े तो साधारण इंसान को क्या छोड़ेंगे? राम जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों? कि मेरे प्रभु जज हैं, जो जैसे करता है प्रभु वैसे उसको देते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। हर कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है यहां आने के बाद। अभी मुझे प्रसंग याद आ गया देख करके कि डोंगरे महाराज कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, काम क्रोध मद लोभ तीनों को छोड़ने की बात करते हैं। भागवत कथा के मर्मक में डोंगरे महाराज जी ने क्या लिखा कि दुनिया वाले काम क्रोध मद लोभ छोड़ने की तो चर्चा हटा दो, ये तो 84 लाख योनि से साथ में चलता रहा। जो मानव योनि में सुरती खाना तो छोड़ ही नहीं पाते तो प्यारे काम क्रोध मद लोभ कहां से छोड़ पाते? मैं यहां देख रहा हूं कि कुछ भक्तगण ऐसे बैठे हैं, एक दूसरे से इशारा करते हैं, का हो चुनौतियां ले आई है। उन भक्तजनों से मेरा निवेदन है,
आज कथा पंडाल में और कुछ संकल्प लेके जाए या ना जाए, यही लेकर के जाए कि चलो आज से सुरती खाना ही हम बंद कर देंगे। एक भक्त प्रयागराज जी में स्नान करने गया तो घाट पे पंडित जी बैठे थे। पंडित जी ने कहा कि चेला सत्यनारायण व्रत की कथा सुनोगे? बोले हाँ महाराज सुना दीजिए। जब वो सुना है पंडित जी ने कहा चेला यहाँ का नियम है कि यहाँ आने के बाद संकल्प लो कि कोई बुराई हो तो मैं उसको छोड़ दूंगा। वो चेला बड़ा चालाक था, जैसे अपनी ढाक ग्राम सभा में सब बड़े बुद्धिमान है मुझे पता। वो चालाक चेले ने क्या कहा सुनते हो कहा कि मैं संकल्प आज यही से लेता हूं कि गंगा ही नहा बंद कर देगा जो से इतना गंगा नहा आओ नहीं संकल्प ले पड़े। एक कई काम कर मुझे डर भी लग रहा है कि कथा पंडाल में यदि इस बात को मैं बता दूं कि सुरती ना खाओ तो मेरा ख्याल से कथा पंडाल भी सूना हो जाएगा। बड़ा डर सा लगता है। एक बार मेरी कथा यही थोड़ी दूर ऊंच गांव है, ऊंच गांव में मैं कथा कर रहा था। मैंने कहा आज से संकल्प ले लो कि कभी कोई मांस मदिरा भक्षण नहीं करेगा। सब भक्त लोग गुस्से में मेरी तरफ देखे। एक दिन तो किसी तरह बीता, दूसरे दिन से पूरे पंडाल में सिर्फ लाल लाल कुर्सी ही दिखाई पड़ी। शिक्षा भी देना बड़ा कठिन हो गया है, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है मेरे भागवत कथा में 100, 200, 1000, 500 तो नहीं, अगर कोई एक भी व्यक्ति के जीवन का सुधार हो गया तो मुझे कथा सुनाना भी मेरा सार्थक हो जाएगा। ऐसा नहीं मेरा उद्देश्य है कि आपको मीठी मीठी बातें बताऊं और कुछ दक्षिणा दूं यहां से चल जाए। ये तो कथा कहना मेरी शौक है, गोविंद जी के चरण का अनुरागी हूं। बाकी ऐसा नहीं है कोई व्यवसाय है। भागवत जी की कथा से यदि कोई भी जीवन किसी का भी सुधर गया तो वही मेरी दक्षिणा होगी। प्यारे गोवा जी कहती है कि मुझे दुख दे दे। कन्हैया बोले ए बुआ दुख तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात बताओ दुख से फायदा क्या है? कन्हैया बोले बुआ से कि दुख से क्या फायदा है? बुआ जी कहने लगी हे कृष्ण कन्हैया विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपति नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। इस दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति है परमात्मा को भूल जाना, और सबसे बड़ी संपत्ति है परमात्मा को याद करना। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब तुम मीरन भजन न कोई
हे कृष्ण कन्हैया, जब जीवन में संपत्ति आती है तो संपत्तिवान व्यक्ति एक ही काम करता है कि प्रभु को भूल जाता है। तो सुन लो, सुख के माथे सिल पड़ो जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। हे कृष्ण कन्हैया, ऐसे सुख में आग लग जाए जिस सुख के आने से जीव आपको भूल जाता है, उससे अच्छा तो मुझे दुख दे दो, कम से कम दुख में आपका स्मरण तो होगा, आपकी याद तो आएगी। विपदः संतुनः सस तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्या पुनर्भव दर्शनम। बुआ जी कहने लगी, हे कृष्ण कन्हैया, इस दुनिया में आने के बाद यदि आपका दर्शन ना हो पाया तो वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, ये जीवन ही बर्बाद है, किसी काम का नहीं है। कन्हैया से बुआ जी कहने लगी, अभी देना चाहता हो, चाहते हो कृष्ण कन्हैया, तो एक ही बल दे दो कि मेरे सिर पर आपका हाथ हो जाएगा। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी अपने दोनों ये हाथ, तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा, है तो दीजिए जन्म जन्म का सहारा। Thank you.
कन्हैया आज कहते हैं कि धर्मराज भैया आप तो मुझे द्वारिका जाने दो, बहुत दिन हो गए आए। धर्मराज जी रोने लगे, कहने लगे हे कृष्ण कन्हैया क्या बताऊं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज संपत्ति के चक्कर में है, संपत्ति तो मुझे मिल गया लेकिन सुख नहीं मिला, ये समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य भी कैसे चलाऊं। कन्हैया समझाए धर्मराज जी को समझ में नहीं आया, क्यों? धर्मराज जी आज भी कृष्ण कन्हैया को छोटा सा लाला ही समझते हैं, कृष्ण कन्हैया ही समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, घर में कोई ज्ञान की बातें बताई जाए तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाहर से जब कोई बड़ा बाल वाला बड़ी दाढ़ी वाला बाबा आता है और वो बताता है तो घर में जाकर कहते आप सही कह रहे थे महाराज, यही सही है। बाहरी कोई व्यक्ति आके समझाए तो समझ में आ जाता है। प्रभु सोचने लगे मेरे समझाने से इनको समझ में नहीं आएगा, सोई पितामह जी के पास लेकर के चले गए। पितामह जी बाण की सैया पर लेटे हुए थे, मेरे प्रभु जैसे ही पहुंचे वैसे ही बोले पितामह जी को प्रणाम। पितामह जी बोले हो कृष्ण कन्हैया आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? कन्हैया इशारे में बोले सुनो ज्ञान तो मुझे ही देना है लेकिन कहलवाना आपके मुख से ही है, आपकी बातें मानी जाएंगी, इसलिए हे पितामह जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेवन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो वर। प्यारे जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है अभिवादन करता है उसका आयु बढ़ जाता है और वो विद्वान होता है
और यशस्वी होता है और वो बहुत ही बलशाली होता है। चार चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, आयुर्विद्या यशो बलम। अब तो प्रणाम भी गजब का हो गया। पहले लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे, थोड़ा समय बीता तो लोग चरणों को प्रणाम करते हैं, दोनों चरण को। थोड़ा समय बीता तो एक चरण को प्रणाम करने लगे, और समय बीता तो घुटने पर प्रणाम करने लगे, और अब तो पता ही नहीं लगता कि सामने वाले का हाथ प्रणाम करते समय कहां चला जाएगा, कुछ पता नहीं। अभिवादन भी गजब हो गया। पहले घर के सामने व्यक्ति राधे राधे लिखता था, कोई कोई सीताराम लिख देता था मेन द्वार पर। किसी के घर जाइए, राधे राधे लिखा है, जय सीताराम, सामने वाले घर में भी ताला भी लगा है तो आदमी कहता है सीताराम राधे राधे करके, थोड़ी सी शांति मिलती है। थोड़ा समय बीता तो लोग स्वागतम लिखने लगे, और समय बीता तो लोग वेलकम लिखने लगे। लेकिन अब क्या लिखते हैं भैया, जितना बढ़िया मकान बना होगा, बाउंड्री होगी, कोठी होगी, गेट के सामने लिखा होगा कुत्तों से सावधान। एक मेरा शिष्य दिल्ली में बंगला बनाया, कहा गुरुजी आप चलिए चरण रख दीजिए। जैसे मैं गया बोले गुरुजी यही बंगला है आपका। मैंने कहा गाड़ी रिवर्स ले लो, बगल से वापस ले चलो, मुझे वहीं छोड़ दो। बोले क्यों महाराज, मैंने कहा गेट पे लिखा है कुत्तों से सावधान, तो इसके अंदर वही तो रहते होंगे। क्या बात है भैया, क्या क्या स्वागत है। एक जगह में बारात में गए तो वहां निकाल निकाल करके भोजन ग्रहण करते, उसको बफर साइज बोलते हैं, अपने से ही निकालो, उसमें कितना भी बढ़िया अच्छा भला कोई कपड़ा पहन के जाए, खाने के चक्कर में थाली इधर उधर हो ही जाती है। मैं गया तो एक भक्त आए, कहने लगे महाराज जी तो आपका चलता नहीं होगा। मैंने कहा भैया नहीं चलता। 12 बज गया, 1:30 बजे आए, कहने लगे महाराज फल में आपका चलेगा कुछ। मैंने कहा भैया चल जाएगा। जैसे 2:30 बजा फिर आएगा, बोले जैसे फल के साथ महाराज जी आपका शरबत भी कुछ चल जाएगा। मैंने कहा दोनों चल जाएगा, गर्मी का समय था। और जब 3 बजा तो वो आदमी आके कहने लगा महाराज एक बात बताइए, फल तो खत्म हो गया, शरबत चल जाएगा। मैंने कहा भैया शरबत भी चल जाएगा। और जैसे 3:30 बजा वो व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज एक बात बताइए, शरबत में बेल का शरबत चल जाएगा कि खड़ई बेल चल जाएगा। मैंने कहा भैया ना बेल का शरबत चलेगा ना तो खड़ा बेल चलेगा, ये सुबह 5 बजने वाले हैं, यहाँ से मैं ही चल जाऊंगा। अब तो अभिवादन भी अनेक प्रकार के होने लगे। कृष्ण कन्हैया भी पितामह जी को प्रणाम करते हैं, पितामह जी प्रणाम, पितामह जी भले कथास्तु, हे कृष्ण कन्हैया आओ। समस्त पांडवों को कृष्ण कन्हैया लेकर के गए, और आज पितामह जी से कहते हैं इनको राज्य चलाना आप सिखाइए। बोले ठीक है। पितामह जी ने कहा कि राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, राज धर्म मोक्ष धर्म। पितामह जी ने कहा कि हे कृष्ण कन्हैया वो पांडव जन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को खूब पैसा कमाना चाहिए। भागवत जी में लिखा है कि व्यक्ति को खूब पैसा कमाना चाहिए, लेकिन अनीति से नहीं, नीति पूर्ण धन कमाना चाहिए।
राज धर्म दान धर्म। अब जितना धन कमाए उसका दशांश दान करना चाहिए। जितना कमाए उसका दशांश दान करना चाहिए। मोक्ष धर्मान विभाग सर पितामह जी कहने लगे, सुनो पांडव जन, जितना कमाए उसका दशांश दान करना चाहिए। दूसरी बात, आलसी नहीं होना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, गलत धन से नहीं कमाना चाहिए, नीत पूर्ण से कमाना चाहिए। और सुनो, इतना ही नहीं, यदि कहीं बुराई हो रहा हो तो उस बुराई को देख करके शांत बैठना नहीं चाहिए, उसकी खिलाफत करनी चाहिए। इतने में द्रौपदी जी को हंसी आ गई। द्रौपदी जी ठहाका मार करके हंस गए। पितामह जी ने कहा, एक बात बताओ, हे देवी तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी जी बोली, नहीं कोई बात नहीं पिताजी, ठीक है। पितामह जी ने कहा, ना देवी, कुलवती नारियों के हंसने में राज होता है, हंसी क्यों आई बताओ? द्रौपदी जी कहने लगी, पितामह, ज्ञान की बातें समझाना तो बड़ा सरल है, लेकिन उसका पालन करना बड़ा कठिन है। एक बात बताइए, यदि बुराई देख करके शांत नहीं रहना चाहिए, तो जिस समय सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। एक बात बताई है, जिस समय दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, यदि आप खड़े हो जाते, एक बार इशारा कर देते, तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आप ज्ञान की बातें तो बता रहे हैं, लेकिन आपने जीवन में इसका पालन नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? पितामह जी ने कहा, यदि देवी इस बात को पूछती हो, तो मैंने दुर्योधन का गलत अन्न खाया था। दुर्योधन का अन्न गलत ग्रहण किया था, सोई मेरे शरीर में उसका रक्त था। आज इन बाण से मेरे शरीर से रक्त स्राव हो रहा है, और जब सारे रक्त निकल गए तो मेरे मन में विवेक जागृति हो गया। ध्यान से सुनिएगा, बात समझ में आ रही है? कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि फला जाति के यहाँ भोजन करो, जाति के यहाँ मत भोजन करो, वो छू लिए तो बुरा हो गया, वो छू लिए तो अच्छा हो गया। एक जगह मैं कथा करने गया था यादव परिवार में, उनकी बेटी अमरीका में रहती थी, उनके गुरु जी आए थे, उस बिटिया से कहते थे, हे बेटी, ये है चूल्हा, ये है कुकर, इसमें चावल डालो, पानी डालो, इसमें दाल डालो, मसाला डालो, पानी डालो, और इसको रख दो। वो मुझसे पूछने लगी, गुरुजी महाराज जी, मुझे दाल चावल मुझसे बनवाते हैं, कहते हैं इसको रख दो, और उसके बाद जैसे ही सीटी बज जाता है, वैसे कहते हैं अब अंदर मत जाना, अब अशुद्ध हो जाएगा। अब बताइए, उसने कहा, महाराज यह बात बताइए कि जब मैं चावल धोई, कुकर में डाली, तब तक तो मैं पवित्र थी, और रसोई में बैठी थी, तब तक भी मैं पवित्र थी, लेकिन जैसे कुकर में सीटी बजा, कैसे मैं अपवित्र हो गई? मैंने कहा, देवी जी, इसको समझाना बड़ा कठिन है, कि गुरु जी को भी मैंने शास्त्रों से समझाया, इस दुनिया में छुआछूत से कुछ भी नहीं होता, जातिवादिता से कुछ नहीं होता। आज जातिवादिता के चक्कर में क्या हो गया है, हमारा धर्म ही नष्ट हो गया है। हरिजन सरोज धोबी इत्यादि, इनके पास पंडित जी नहीं जाते, अगर कोई पंडित जी चले जाए तो पंडित जी लोग कहते हैं, अरे मारो पंडित, बेकार है।
तो क्या हुआ, क्रिश्चियन वाले संस्थापकों ने इनको घसीट करके लेके चले गए, हमारा सनातन धर्म नष्ट हो गया। दूसरी बात, जातिवादिता में कोई सपा बना लिया, कोई बसपा बना लिया, हमारे भारत को जातिवादिता ने खंड खंड में बांट दिया। प्यारे, एक दिन मुझे समझ में आया, एक व्यक्ति को मैं हॉस्पिटल में ले गया, उसका प्लेटलेट कम हो गया था, घट गया था। डॉक्टर ने कहा बचना बड़ा मुश्किल है, इसको 6 यूनिट प्लेटलेट चाहिए। मैं गया प्लेटलेट खरीद करके लाया और दिया, तब मेरे समझ में आया कि ये प्लेटलेट, ये रक्त जो शरीर में चढ़ाया जा रहा है ग्रुप मिला करके, उसको ये व्यक्ति नहीं पूछता ये पता नहीं किस जाति का है। उस समय तो ये होता भाई चढ़ाओ जल्दी से बचाओ। शास्त्र में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति गलत ढंग से कमाया हो धन, चोरी से, बेईमानी से, ठगहारी से, उसके यहाँ तो प्यारे चाय भी नहीं पीना चाहिए। शास्त्र का मत है। भीष्म पितामह जी समझाए, कहने लगे प्रभु मेरे शरीर में जो दुर्योधन का गलत अन्न था उसका प्रभाव था, जो मेरी मति भ्रष्ट हो गई। दूसरी बात, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इसलिए हमको नीत पूर्ण धन कमाना चाहिए, और गलत धन से कोई कमाया गया धन हो तो मुझे उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पितामह जी के सामने कृष्ण कन्हैया कहने लगे एक बात बताओ, आप कुछ मांगना चाहते हो तो आप भी मांग लो। बोले सुनो, देना चाहते हो तो एक ही बल दे दो। बोले क्या? बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बोले मेरी बिटिया है, उसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूं। कन्हैया बोले शादी हुई नहीं, बेटी कहां से पैदा हो गई? पितामह जी ने कहा इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति। बोले ये मति जो है ये मेरी बिटिया है, बुद्धि, और ये जो बुद्धि है इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अब इसमें कृष्णा नहीं रही, ये मेरी सुंदर बिटिया है, इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा तथास्तु। प्यारे, आज कृष्ण कन्हैया कहते हैं मैं भी चलना चाहता हूँ। पितामह जी चलूं? कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो, और कुछ? पितामह जी ने कहा हे कृष्ण कन्हैया, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गा कर कीर्तन नाथ त्याग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा। एक बात बताओ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरा जब प्राण निकलने लगे तो आप मेरे सामने आकर के खड़े हो जाना है गोविंद, और कुछ नहीं चाहिए। इतने में कृष्ण कन्हैया बोले तथास्तु, लेकिन प्रभु जैसे पितामह जी के सामने खड़े हुए वैसे सोचने लगे कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है पितामह जी को, पता नहीं कब मरना चाहेंगे, और ना मरे तो मैं क्या करूंगा, मेरे प्रभु उदास हो गए। पितामह जी ने कहा हे कृष्ण कन्हैया, मैं ये बात जरूर कहा था कि मेरा प्राण जब निकलने लगे तो आप खड़े रहिएगा, दर्शन दीजिएगा, लेकिन ये जो लटका हुआ चेहरा है ना, ये नहीं मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि हासम हरे वनिता खिल लोक सीघ्रम
सोकाशु सागर विशेषण में उदार। मैंने ये कहा था कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दिखाई पड़े, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और हे गोविंद, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। बांके बिहारी लाल जी को अर्जुन अपने साथ लेकर के द्वारिका जाते हैं, और द्वारिका से जैसे ही वापस आते हैं, आज प्रभु इटाहा के भक्त जनों की परीक्षा लेना चाहते हैं कि जो मेरा प्रेमी नहीं होगा बारिश को देख करके भाग जाएगा। ये ऐसी बारिश नहीं है प्यारे, ये अमृत की बूंदे हैं। और जो इस अमृत की बूंद में भीग लेगा ना, उसके जीवन में कभी दुख की बदरी का बूंद नहीं पड़ेगा। अपने लिए ताली तो बजा लो। एक बार प्रेम से बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे। क्या बात है, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, और ये दोनों अमृत का बूंद इधर से भी उधर से भी। और आज जैसे ही अर्जुन चल करके आए, वैसे ही धर्मराज जी बोले, एक बात बताओ, भ्रष्ट तेज विभासी में, हे अर्जुन, ये तुम्हारे चेहरे का तेज कैसे नष्ट हो गया बताओ। तीन काम करने से व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। पहला, जीवन में गाय का वध, गाय का जो अपमान करता है, गाय को खिलाता पिलाता नहीं है। लोग बीजेपी को दोष देंगे, अरे मोदी, अरे योगी, मारे हैं एकदम से कास का कर दे। सुन लो भैया, जो गाय का अपमान करता है उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, दूसरी बात, अगम्य नारी के साथ समागम करने से भ्रष्ट तेज विभास में, जो व्यक्ति दुष्चरित्र हो जाता है उसके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, तीसरी बात ये है कि जिसके बगैर जो व्यक्ति रह ना सके, अपना कोई बहुत बड़ा प्रेमी हो और अपने आप को छोड़ करके चला गया हो, और जीवन में कभी मिलने की आशा ना हो, उसकी याद में चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। हे अर्जुन, तुम्हारे साथ क्या हो गया?
अर्जुन कुछ बोलते नहीं, सर नीचे है और कहते हैं, हे भैया कृष्ण कन्हैया स्वधाम चले गए। प्यारे इस बात को सुन करके बुआ कुंवती जी जैसे ही आई और सुनने को मिला कृष्ण कन्हैया स्वधाम चले गए, सुई कुंती बुआ जी जमीन पर गिर गई और प्राण निकल गया। रामचरितमानस में राम जी के बगैर दशरथ जी नहीं रह पाए और भागवत जी में कन्हैया के बगैर कुंती जी नहीं रह पाए। समय आया, धीरे धीरे परीक्षित जी का प्रागट्य हुआ और परीक्षित जी को सुंदर राज तिलक करके बिठा दिया गया सिंहासन पे। और धीरे धीरे पांडव जन बोले, अब रहना ठीक नहीं है, बिना प्रभु के अब रहा नहीं जा रहा है। सो अपने अपने धाम को गए और आज तिजोरी में रखा हुआ सुंदर मुकुट परीक्षित जी निकाले और उस मुकुट को धारण कर लिए। धारण करके वो मुकुट जैसे ही बाहर निकले, वैसे देखते हैं कि एक गाय है और एक बछड़ा है, एक गाय और एक बैल। बैल को देख करके गाय रो रही है, बैल को देखकर गाय रो रही है। बैल पूछता है, हे गौ माता, भागवत जी में गाय को पृथ्वी बताया गया और बैल को धर्म बताया गया। धर्म पृथ्वी माता से पूछता है, हे मैया एक बात बताओ, तुम क्यों रो रही हो? कृष्ण कन्हैया आए आपके आंचल में बैट बल्ला खेले और गैया चराए चले गए, क्या उनकी याद में रो रही हो? या कोई आपका बंधु बांधव से बिछोह हो गया? हे देवी क्यों रो रही हो? पृथ्वी माता जी ने कहा, हे धर्म, जब मेरे आंचल में धर्म होता है, यज्ञ होता है, तो मैं मुस्कुराती हूँ, और जब अधर्म होता है तो मुझे रोना आता है। और जैसे ये भागवत जी की कथा, आज जो इटहा ग्राम सभा में ये यज्ञ हो रहा है ना, पृथ्वी माता जी इतनी खुश होती होंगी कि क्या है मेरा लाला, मेरा बेटा इतना सुंदर यज्ञ किया। पृथ्वी पर जितना ही हम पवित्र काम करते हैं उतना ही पृथ्वी मैया खुश होती हैं। और इतने में एक विशाल काय वाला पुरुष एक लंबी तलवार लेकर के चलता मचलता हुआ चला आया और बैल जो खड़ा था उसके पांव को काटना चाहता था। इतने में परीक्षित जी आ गए। परीक्षित जी ने कहा, ओ सावधान, नते गुणा के सयसोधरा बंधन जले भय किंचित। एक बात बताओ, पहले ये तलवार यहां से हटाओ। एक बात, दूसरी बात ये बताओ, ये मेरा राज्य है और बिना मेरे आदेश का यहाँ कुछ भी नहीं होता, ये तुम बैल को क्यों मारना चाहते हो? वो पुरुष परीक्षित जी के चरणों को पकड़ करके लिपट गया। परीक्षित जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, क्या बताऊं, मेरा नाम कलयुग है। तब याद आया मेरे पितामह जी कह करके गए थे कि शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहिं बिलोकत हार। बोले मेरे पितामह ने कहा था कि शरण में आए हुए व्यक्ति का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यत फलम तपसा न योगेन समाधिनः। प्यारे, जो बहुत बहुत तपस्या करने के बाद जो फल नहीं मिलता था, समाधि में जाने के बाद जो फल नहीं मिलता था, सो फल कलयुग केशव कीर्तन मात्र प्रभु का भजन करने से मिल जाता है। कलयुग ने कहा, एक बात बताओ,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे लिए भी कोई जगह दे दो रहने के लिए। परीक्षित जी, कलयुग को रहने के लिए चार स्थान दिए। कितने स्थान? चार स्थान। पहला दूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्र अधर्मस्य दुर्विधः। सावधान, जिसके घर में ताश का पत्ता खेला जाता है उसके घर में कलयुग का वास होता है। बात समझ में आ रही है? जिसके घर में 21 दिन ताश का पत्ता खेल लिया जाए उसके घर में धन छाया, या तो धन नष्ट हो जाएगा या तो उसके घर में कोई असाध्य रोगी हो जाएगा। मेरे यहाँ ग्राम सभा में तो कोई ताश का पत्ता नहीं खेलता भैया, सब बहुत अच्छे हैं। और वो ताश का पत्ता जो खेलने वाले हैं ना, वो आज घर में ही बैठे हैं, कथा पंडाल में आई नहीं है। पहला स्थान दूतम, जिसके यहाँ दूत क्रीड़ा होती है उसके घर में कलयुग का वास होता है। नहीं तो अनुभव कर लीजिए, जिसके यहाँ ताश का पत्ता खेला जाता हो उसकी स्थिति समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा स्थान परीक्षित जी ने कहा कि हे कलयुग पानम, शराबियों के यहाँ भी आपका स्थान होगा। ये कथा मैं सुना रहा था कलकत्ता में बिरला जी के यहाँ टैक्स मेकों में। साल में एक बार मेरी कथा बिरला जी के यहाँ होती है बेलघरिया में। तो मैं कथा में बोला था शराबियों की बड़ी निंदा कर दिया था। प्रतिदिन मेरे गले में 108 माला पड़ता था। जब मैं कथा पंडाल में दूसरे दिन पहुंचा तो प्यारे श्रोता तो सब भरे थे, कमेटी का कोई व्यक्ति दिखाई ना पड़े। जो साउंड माइक लगाने वाले भाई से मैंने पूछा कि कोई घटना घट गई क्या, बोले महाराज घटना कुछ भी नहीं घटी, कलकत्ता में आप गलत बोल गए। हमने कहा क्या हुआ? बोले आप शराबियों की निंदा किए, आपका सामूहिक यज्ञ है, और ये हुआ कि महाराज जी को हम लोगों ने बुलाया और हम ही लोगों की निंदा कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। मैं जैसे कथा प्रारंभ किया मैंने कहा भैया मैं कुछ कल कथा में गलत भूल गया था, तो मैं अपने शब्दों को वापस लेना चाहता हूँ। शराब पीने से चार चार फायदे हैं, जो पीते हो उनको धन्यवाद, जो ना पीते हो कल से पीना शुरू कर दो। कमेटी वाले सारे भाग करके आ गए। तो महाराज बड़ी ऊंची बात बोल रहे हैं। एक भाई ने कहा महाराज जल्दी से बताइए क्या फायदा है। मैंने कहा भैया पहला फायदा कि शराबी के घर में चोरी नहीं होती। बोले कैसे? हमने कहा जो अच्छा शराबी होगा शराब पीते पीते सारी संपत्ति शराब में ही पी जाएगा, घर में कुछ बचेगा नहीं, तो चोर बेचारा क्या करेगा। दूसरी बात, जो अच्छा शराबी होता है ना वो शराब पीते पीते टीबी का पेशेंट हो जाता है, रात में उसे खांसी आती है और वो खांसता है जोर जोर से। चोर कहता है ओ भैया अरे ये जग रहा है, इसके घर में चोरी ना करो, लौट चलो। शराब पीने से पहला फायदा घर में चोरी नहीं होती। दूसरा फायदा क्या है कि शराबी की पत्नी बहुत मजबूत होती है। एक भाई ने कहा महाराज पति शराब पीता है तो पत्नी मजबूत कैसे हो जाती है। मैंने कहा भैया शराबी जब शराब पी करके आता है तो पत्नी के पीठ पर धम 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 खूब पीटता है,
और वेद वेदांत की बातें भी करता है। ढोल गवार शूद्र पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी साधारण ज्ञानी नहीं होता सर। अभी खूब पीटता है, खूब मारता है, इसको पकड़ पकड़ करके खूब घसीटता है, बाल का एक्यूप्रेशर हो जाता है। और सुन लो भैया, जो प्रतिदिन मारा पीटा जाता है स्वाभाविक है, उसको मजबूत होना ही पड़ेगा। मैंने कहा भैया तीसरा फायदा ये है कि शराबी कभी बूढ़ा नहीं होता। सुन लो, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना, तो घर में कोई सुनता नहीं, कोई कदर नहीं करता। जब शराब पियोगे तो बूढ़े नहीं होगे। ने कहा कैसे? हमने कहा अच्छा शराबी 50 बहुत है, 50 तक पधार जाता है। एक भी काम आराम, चौथा फायदा क्या है? हमने कहा भैया शराब पी करके व्यक्ति जब जाकर के गटर में औंधे मुंह बैठता है, लेट जाता है, कुत्ता दौड़ता हुआ जाता है, सूंघने लगता है। दूसरे ने कहा एक काटना मत, मत काटना। बोले क्यों? बोले यार ये अपना स्टाफ है, शराबियों को कुत्ता भी नहीं काटता। चार चार फायदे हैं। सारे कमेटी वाले आ गए, कथा प्रारंभ हो गया, कथा पूरी हो गई। लेकिन सावधान भैया, ये फायदे नहीं, सब नुकसान ही नुकसान है। इटाहा के भक्तजन बोलेंगे महाराज बुलाए के कथा सुनावा, तो यहाँ के जनता और बिगाड़ के जाता है। प्यारे कभी भी शराब पीना नहीं चाहिए। यदि पीते ही कोई व्यक्ति पीता भी हो, शायद इटाहा में तो कोई नहीं पीता, और गांव की तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इटाहा में ऐसे व्यक्ति नहीं है, हैं भी तो घर में बैठे हैं, और यदि होंगे भी तो कल से नहीं पिएंगे। मुझे विश्वास है, मेरी बातों को बहुत मानते हैं। पहला स्थान दूधम पानम स्त्रीय, पहला स्थान जिसके घर में ताश का पत्ता खेला जाता है उसके घर में कलयुग का वास, शराबी के घर में स्त्रीय। तीसरा स्थान दुश्चरित स्त्री के घर में भी कलयुग का वास होता है। चौथा मांसाहारी व्यक्ति के घर में भी कलयुग का वास होता है। पांचवा स्थान सुन लीजिए परीक्षित जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप संतुष्ट हो? प्यारे हुआ क्या? बोले मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन कोई अच्छी जगह दे दीजिए। बोले जाओ तुम्हारा वास सोने में भी होगा। पता है सोने में कलयुग का वास है, सोना कभी पहनना नहीं चाहिए। जो देवियां सोना पहनती हो कल ले आकर के कथा पंडाल में गोपाल जी के सामने चढ़ा देना। क्यों? कि सोने में कलयुग का वास। कल लाओगे ना सब कोई? दूसरी बात ये है कि अब सोना कभी खरीदना भी मत, सोने में कलयुग का वास है। लेकिन शास्त्र में ये बताया गया कि धातु नाम अस्मि कांचनम। प्रभु कहते हैं कि सोने में मेरा वास है, तो कहने का तात्पर्य है कि परिश्रम से कमाया गया जो धन का सोना होता है उसमें मेरे प्रभु का वास होता है, और जो गलत ढंग से कमाए गए संपत्ति से सोना खरीदा जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए खूब सोना पहनो, कोई बुराई नहीं है।